Our today's talk is about Dynamic Routing Protocols and we will be discussing the evolution of Dynamic Routing Protocols. So for IPv4, as we are already aware, there are two versions of IP. One is IPv4 and the other is IPv6. IPv4, we have divided divide the IPv6. We have two Dynamic Routing Protocols. Hai. Paas interior Gateway Protocols hai. एंड देन वी हैव दिस एक्सटीरियर गेट पे राउटिंग प्रोटोकॉल इंटीरियर में वी हैव दिस डिस्टेंस वैक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल हैं और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है एक्सटीरियर में हमारे पास बी जी पी है और हर आई पी वी फोर के लिए अलग हमारे पास रिप के वर्जन हैं और लिंक स्टेट के वर्जन हैं इसी तरह आई पी वी सिक्स के लिए भी हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल के डिफरेंट वर्जनज हैं एंड वी विल नो लर्निंग दीज द मोस्ट यू नो वेल नोन एंड मोस्ट वाइडली यूज राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में हम जो है काफ़ी डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे भी बेसिकली ये जो स्टार्ट हुआ था डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स का नेटवर्क्स के अंदर ये नाइनटीन में लेट नाइनटीन में स्टार्ट हुआ था और देर आर न्यूर वर्जनस जो कि जो है आई कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट करते हैं जो मेन पर्पस होता है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का वो एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस होता है बिटवीन द राउटिंग इंटरफ़ेसेस जो राउटर के जो इंटरफ़ेसेस होते हैं उनके दरम्यान पहले जो है हम स्टैटिक तरीके से हम राउट की एंट्रीज कर रहे थे राउटिंग टेबल्स के अंदर राउटर के डायनेमिक जो राउटिंग प्रोटोकॉल होती है उसके अंदर हमें स्टैटिक एंट्रीज की जरूरत नहीं होती ऑटोमेटिकली एक एलगोरिदम रन होता है आ, पूरे नेटवर्क के ऊपर हर राउटर के अंदर और जो है वो जो एल्गोरिदम है वो उसको बेसिकली जो है इन राउटिंग जो टेबल्स होते हैं उनको पॉपुलेट करता है इसके अलावा राउटिंग जो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है उनका जो पर्पस है वो डिस्कवरी ऑफ रिमोट नेटवर्क्स है दूसरा पर्पस जो है वो अप टू डेट जो राउटिंग इंफॉर्मेशन है उसको मेंटेन करना और उसके बाद जो है बेस्ट पाथ जो है वो चूज़ करना बेस्ट पाथ से मुराद है शॉर्टेस्ट पाथ Uh, और शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो एक किसी मैट्रिक की बेस के ऊपर होता है जो कि हम देखेंगे वो कौन कौन से हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद हैं शॉर्टेस्ट और बेस्ट पाथ निकालने के लिए और इसके अलावा एक नया बेस्ट पाथ निकालना जस्ट इन केस अगर जो पहला जो आपने बेस्ट पाथ निकाला था वो फेल हो जाता है सो देन यू नीड यू नो अ बैकअप और अव बेस्ट पात कितनी जल्दी राउटिंग जो है एल्गोरिदम वो इसको कैलकुलेट करता है बिफोर वी गो इन टू द डिटेल ऑफ एनी पर्टिकुलर राउटिंग प्रोटोकॉल पहले हम देखते हैं कि ओवरऑल जो है कम्पोन क्या होते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल के तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पहले तो आपके पास जो है राउटिंग प्रोटोकॉल मैसेजेस को एक्सचेंज करती हैं और ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है ई आई जी आर पी उसके कुछ मैसेजेस हैं जो कि एक्सचेंज होते हैं और देन जो है आपके पास जो है राउटिंग प्रोटोकॉल को राउटिंग एलवोरिदम यूज करती है बेस्ट पाथ निकालने के लिए और जो राउटर है वो अपने अंदर जो है कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स मेंटेन करता है जिस तरह अगर हम ई आई जी आर पी विच इज यू नो एन एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल वो दो किस्म के जो है डाटा स्ट्रक्चर्स मेंटेन करता है एक नेबर टेबल और एक टपोलॉजी टेबल इसी तरह जो है हर राउटर के अंदर जो है ये दो डाटा स्ट्रक्चर्स जो है वो यूज हो रहे होंगे सो so, राउटिंग जो एलगोरिदम होता है प्रोटोकॉल होती है वो एक एल्गोदम के थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ निकालता है बेस्ट पाथ निकालता है और उसके बाद कुछ मैसेज एक्सचेंज हो रहे होते हैं साथ साथ और फिर जो है उसका डाटा स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा होता है हर राउटर के अंदर जहां वो उनको पॉपुलेट कर रहा होता है उन एंट्रीज को तो so, स्टैटिक जो है हमने देखा पहले स्टैटिक ये एक स्टैटिक कमांड है जिसके थ्रू हम स्टैटिक एंट्री करते हैं राउटिंग की और इसके कुछ फायदे भी हैं कुछ एडवांटेजेस भी हैं ये अगर आपका नेटवर्क बहुत स्मॉल है सो इट्स बेटर टू यूज अ स्टेटिक राउट सिमिलरली अगर आपने सिर्फ स्टब नेटवर्क के थ्रू राउट करना है तो आप स्टैटिक जो है राउट यूज करेंगे इसके अलावा अगर आपने डिफॉल्ट राउट देना है एक ऐसा राउट जो कि उस राउटर की बी जो है इंटरनेट है तो फिर आप उसको डिफॉल्ट राउट दे देंगे इसके अलावा नेटवर्क टिपिकली यूज बहुत स्टेटिक और डायनामिक जो है राउटिंग यूज करते हैं आज के जो नेटवर्क और जो आपके पास डायनेमिक राउटिंग है इज द बेस्ट चॉइस फॉर लार्ज नेटवर्क अगर आपके पास नेटवर्क बहुत लार्ज है तो फिर आप डायनेमिक राउटिंग यूज करते हैं सो so, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम देखते हैं कि जो है किस तरह जो है राट्रो आर टू जो है वो कह रहा है कि जो है ना मैं आई, आई, आई यूज कर रहा हूं अपने नेबर्स को बताने के लिए कि मैं गेट हूं इंटरनेट का दिस इंटरनेट राइट और मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूं इन नेटवर्क के साथ एक ये वाला नेटवर्क एक ये वाला नेटवर्क और ये वाला नेटवर्क राइट सिमिलरली आर जो है वो बताएगा कि मैं भी ई प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूं जो कि एक डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है और मैं अपने नेबर्स को बताऊंगा इस प्रोटोकॉल को यूज करते हुए कि मैं इन नेटवर्क से डायरेटी कनेक्टेड हूं राइट right? सो so, अब हम देखते हैं कुछ कंपैरिजन uh, देख लेते हैं डायनेमिक और uh, स्टेटिक राउटिंग का इस तरह के मैंने पहले बताया कि नॉर्मली ये दोनों जो डायनामिक भी स्टैटिक भी राउटिंग प्रोटोकॉल आप किसी भी नेटवर्क के अंदर ने ने यूज कर रहे होते हैं स्टैटिक आप यूज करते हैं अपनी डिफॉल्ट राउट के लिए या स्टब नेटवर्क के लिए और डायनामिक आप नॉर्मली यूज करते हैं ओवरऑल जो नेटवर्क की जो राउटिंग टेबल है उसी कन्फिग्रेशन के लिए सो द कन्फिग्रेशन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ डायना प्रोटोकॉल वो ऑब्वियसली वो आपका जो है नेटवर्क साइज है अगर बेशक आपका नेटवर्क बड़ा भी होगा तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्सिटी उसका उससे कोई डिपेंडेंट नहीं है जबकि स्टेटिक राउटिंग के अंदर जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा उसकी कन्फिगरेशन टॉपोलॉजी चेंजेस अगर आपके पास हो रही है काफी ज्यादा नेटवर्क के अंदर तो बड़ा एडेप्टिव है डायनामिक लेकिन जो है आपको स्टैटिक राउटिंग के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस चाहिए होती है स्केलिंग जो है ओबियसली सिंपल और कॉम्प्लेक्स टॉपोलॉजीज के लिए दोनों के लिए डायनामिक राउटिंग इज वेरी स्केलेबल और सिंपल uh, टेपोलॉजी के लिए ज्यादा बेहतर है स्टेटिक राउटिंग सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक सिक्योर है बिकॉज यू हैव फुल कंट्रोल आपको पता है नेटवर्क का और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप जाकर मैनुअली उसको स्टैटिकली आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं राउट्स को जबकि डायना है वो कंपेरेटिवलीस सिक्योर है यूज करती है डायनाटिक राउटिंग है वो कम जो है रिसोर्स यूज करती है एज कम्पेयर टू डायनामिक राउटिंग प्रिडिक्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो जो राउट है वो डिपेंड करता है करंट अपोलॉजी के ऊपर जबकि जो है आपका स्टेटिक राउटिंग के अंदर जो है आपका जो राउट है वो ऑबियसली फिक्स होता है और आपका पता होता है उस बात का सो so, हमने देखा कि जो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो जो है उसका एवोल्यूशन जो है वो लेट नाइनटीन एटीज में हुआ था और जो है फिर हमने डिफरेंस देखा कि स्टेटिक राउटिंग जो है वो हम कब और कहाँ यूज करते हैं और डायनामिक रंग राउटिंग जो है वो हम कब और कहाँ यूज़ करते हैं आ, टिपिकली हर नेटवर्क के अंदर दोनों राउटिंग यूज़ हो रही होती हैं स्टैटिक भी यूज़ हो रही होती है और डायनामिक भी यूज़ हो रही होती है